हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीट पोकीज। हे गाइस, मैं हूं आपका चिट्टू और ये है ना आपका नवी। सो नवीन ने आज प्लान करा हुआ है कि भाई बहुत दिन से ना हम ये सोच रहे हैं, प्लान जब भी बनाते हैं बारिश फिर से आ जाता है। आपको हर ब्लॉग में पता चला होगा कि हम बारिश के बारे में बहुत सारी चीज बोल रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा बुरा हाल है, इसके वजह से हमने जो प्लान करा हुआ है अभी हम घर पे ही ब्लॉग बनाएंगे। तो जितना हो सके तो हम फूड ब्लॉगिंग वगैरह घर पे ही बनाएंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं बाहर जाके वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप जरूर देखने वाले। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नवीन, आज हम जो बनाने वाले हैं ब्रेड हलवा बनाने वाले। तो ब्रेड हलवा के लिए तो हमने ब्रेड ले लिया, कार्डमम ले लिया, काजू पिस्ता क्या क्या लिया है, काजू कार्डमम एंड सॉरी दोस्तों डायलॉग भूल गया, वो खुद भूल गया। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी बनाने वाले हैं, तो आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो तमिलनाडु में क्या करते हैं, बिरयानी के साथ ये हलवा खाया जाता है, तो उसको नाम बोलते हैं ब्रेड हलवा या रस्क हलवा भी बोलते हैं। तो एज इट इज आपको पता है कि नवीन बनाने वाला है, जो शेफ हमारे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे ना आपको एक नया चीज बताने वाला है नवीन। नवीन कितने लोगों को बुला रखा है सुने भाई? एक हेल्पर नहीं, दो हेल्पर नहीं, दो ही हेल्पर है, साथ में मैं भी। अच्छा, तीन हेल्पर आए हुए हैं, तो नवीन एक हेल्पर है मेरे लिए। तो नवीन के लिए हेल्पर जो है हम अपने सिस्टर्स को बुला रखा है, तो वो भी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस। तो अभी चलते हैं ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर हम ब्रेड को काटने वाले हैं साइड में से। जो तब तक हमारे जो हेल्पर है वो गिन रहे हैं, तब तक मैं बता देता हूँ, इसमें 13 स्लाइड्स ऑफ ब्रेड है, इसको रख के हम बनाने वाले हैं ब्रेड हलवा। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे घी, पंतांजलि का घी लिया है, प्योर देसी घी पंतांजलि। हे बॉय, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा गर्म होने देंगे पैन को, उसके बाद हम इसमें ब्रेड डाल के फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तो गाइस, ब्रेड स्लाइस डालने का टाइम आ चुका है, तो मैं अपने हेल्पर को इस टाइम पे यूज करना चाहता हूँ। ये हमारे दूसरे हेल्पर हैं जो ब्रेड स्लाइस को इसके अंदर डालेंगे। तो फर्स्ट हेल्पर कौन है? फर्स्ट हेल्पर तो एज यूजुअल आपको पता ही है, अरुल हमारे फर्स्ट हेल्पर, और सेकंड हेल्पर हमारे स्वीटी, तो दोनों मिलकर भी शुरुआत कर सकते हैं आराम से आराम से आराम से। अब देख सकते हैं ब्रेड कितना क्रिस्पी हो चुका है, इसको हम पूरा डीप फ्राई करेंगे घी के साथ। इसको हल्का सा 50% हमने पूरा डीप फ्राई करा है, 50% हमने हल्का सा करा है क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी चाहिए ना। अब हमने जो काजू बादाम किशमिश और कार्डमम ले रखा है, इसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे काजू बादाम किशमिश, तीनों को एक साथ डालेंगे, सब डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसको फ्राई करके निकालेंगे बाहर। गाइस बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है इसमें से। यहाँ पर हमारा जो काजू बादाम सब कुछ फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब ज़्यादा फ्राई मत करना, जल जाएगा ये साइज का। चीनी थोड़ा सा ले लेंगे, चीनी डाल लेंगे, तो चीनी थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इसके अंदर पानी डाल के मिक्स करेंगे। हमने अपने हिसाब से चीनी लिया है और आपके हिसाब से जितना चाहिए होगा आप ले सकते हैं आपके ब्रेड स्लाइस के हिसाब से। अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी,
चीनी पानी के साथ ऑब्जर्व होने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा ब्रेड जो साइड में रखा है। अब टाइम आ चुका हमारा ब्रेड स्लाइस डालने का, जो हमने 13 स्लाइस लिए हैं ब्रेड का, तो डाल देंगे इसके ऊपर एक साथ, ऊपर सिरप के साथ मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो ब्रेड स्लाइस फ्राई कर रखा है डीप फ्राई, मिक्स हो चुका है शुगर के साथ, काजू बादाम सब कुछ। लिया इसमें, अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप कितना ऑथेंटिक आया है, एपेटाइजिंग लग रहा है। तो इसको आप 3 महीने फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, बट हमारा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही है हमारे साथ 4 जानवर है। तो इसमें जो हमने घी यूज़ करा है वो मेल्ट होकर ऊपर आ चुका है। जब तक ये ब्राउनिश कलर हो जाए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। फाइनली हमारा जो ब्रेड हलवा है वो ऑथेंटिकली बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं नहीं ट्राई करने वाला, मेरे जो भाई लोग या फिर फ्रेंड्स या फिर सिस्टर हैं वो ट्राई करके आपको बताने वाले हैं टेस्ट इसका कैसे होने वाला है। चलो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो गाइस अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हाँ वर्ड से डालने हैं, मजाक कर रहा था, कोक डालेंगे तो कोक ब्रेड हलवा बन जाएगा, हम नॉर्मली ब्रेड हलवा खाएंगे। बनने से पहले लाइन में लग गए लंगर में, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो गाइस फाइनली जो है हमारा ये ब्रेड हलवा बन चुका है एंड हम ट्राई करने वाले हैं। नवीन ने ट्राई कर लिया, शायद उसने मेरे को बोला था कि भाई बहुत बढ़िया बना है, तो हम भी एक बार ट्राई करके आपको बताने वाले हैं कैसा टेस्ट है। आ जाओ भाई तीनों खा लेंगे। गर्मा गर्म ये क्या है? सच्ची में अच्छा है, सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी है। खा के बताए फिर बताएगी। जो उसका मिक्सचर जो है ना यहाँ पे, जैसे बादाम हो गया काजू हो गया, उसका तो टेस्ट आ ही रहा है क्योंकि घी के साथ हमने वो करा हुआ फ्राई करा हुआ है, उसका अलग ही एक टेस्ट बन के आ रहा है। मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब आप भी घर पे ट्राई करके देखना, जरूर देखना यार, सुपर्ब है। एक और हम खा लेते हैं, एक और चम्मच है। अरुण क्यों वेट कर रही है? क्योंकि 2 ही चम्मच है। इसको आप बिरयानी के साथ भी रख सकते हो। घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है उस टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेड है तो ये कर सकते हो आप। सिंपल एंड जल्दी बनाने वाला स्वीट एक बना सकते हैं, तो ये आप ब्रेड हलवा बना सकते हैं, दिवाली में भी बना सकते हैं। तो अभी ये वीडियो को कंप्लीट करते हो, तो आप लोगों को कैसे लगा ये? तो गाइस सच्ची में अच्छा है। जब ये लोग पहले बना रहे थे तो एक्सपेक्टेशंस एकदम जीरो थी बनने का जो भी प्रोसेस था, बट सीरियसली बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर ट्राई करो। कैसा लगा ये वीडियो? अभी और भी वीडियो आने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्ट्रीट फॉर किस, बाय।